सत्येंद्र कुमार सेल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है, लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे सबसे पहले हमने लोड पढ़ा है, लोड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ लोड पढ़ चुके हैं, फिर दोस्तों स्ट्रेस क्या होता है और फिर टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, फिर हमने स्ट्रेन पढ़ा है, फिर टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़े हैं, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर हुक्स लॉ और फिर टाइप्स ऑफ हुक्स कांस्टेंट। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 18 है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले समझते हैं फिर हम परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ पर हम जब बाह्य बल लगाएंगे तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होगा, उसी से हमारा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम एक कोई एक पदार्थ ये मान लेते हैं, इस पदार्थ का एक सिरा हमने स्थिर कर दिया है। जब इस पदार्थ पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो वस्तु के डायमीटर में कमी हो गई तथा इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार यदि हम इस वस्तु पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे अर्थात संपीड़न फोर्स लगाएंगे तो दोस्तों क्या होता है, इसके लंबाई में कमी हो जाती है तथा इसका व्यास में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये टेंसाइल तथा कंप्रेसिव का प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस पदार्थ पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है। जब टेंसाइल फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया, इसके लंबाई में वृद्धि हो गई तथा डायमीटर मतलब व्यास में कमी हो गई। पहले जो हमने इसकी लंबाई, जब हमने इस पे कुछ नहीं फोर्स लगाया था तो मान लेते हैं इसकी लंबाई L थी और इसका डायमीटर हमारा D था। जब हमने इस वस्तु पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया था तो हमारी इस वस्तु की लंबाई L थी तथा इस वस्तु का डायमीटर हमारा D था। मगर जब हमने इस पदार्थ पे टेंसाइल फोर्स लगाया तो दोस्तों इसमें डेल एल लंबाई की वृद्धि हो गई तथा डेल्टा डी व्यास की कमी हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल चाहे कंप्रेसिव फोर्स लगाएं चाहे टेंसाइल फोर्स लगाएं तो उसके लंबाई में भी परिवर्तन होता है और उसके डायमीटर में भी परिवर्तन होता है। तो हमारा पॉइजन अनुपात क्या होता है, पार्श्व विकृति होता है व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को हम पार्श्व विकृति कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, पॉइजन अनुपात पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम परिभाषा से। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, दोस्तों ये प्रत्यास्था सीमा के अंदर क्या है, ये हमारा कंडीशन है, क्योंकि जो भी हमारा पॉइजन अनुपात लागू होगा ये सब सिर्फ प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही लागू होगा अर्थात जब तक हमारा इलास्टिसिटी रहेगा। प्लास्टिक के बाद हमारा ये नियम नहीं लागू होता है। पार्श्व विकृति प्रत्यास्था सीमा के अंदर, पार्श्व विकृति मतलब लेटरल स्ट्रेन तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात एक स्थिर रहता है। क्या दोस्तों, एक कांस्टेंट रहता है।
इस अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं, मतलब पावर स्वीकृति लेटरल स्ट्रेन तथा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति का एक अनुपात एक स्थिर रहता है। इस अनुपात को हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन अनुपात को दोस्तों 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पॉइजन अनुपात को हम 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हमने जो समझाया था पार्श्व विकृति हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति डेल्टा डी अपान डी हो जाएगा और अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगा डेल एल अपान डेल एल हो जाएगा। तो हमारा एक पॉइजन अनुपात को म्यू से प्रदर्शित करते हैं हमारी परिभाषा के अनुसार पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, तो पार्श्व विकृति हमारा डेल्टा डी अपान डी और अनुदैर्ध्य विकृति डेल अपान एल, तो पार्श्व विकृति डेल्टा डी। और हम अनुदैर्ध्य विकृति को ई एक्स या फिर ई से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने दोस्तों अनुदैर्ध्य विकृति को यहाँ हमने ई से प्रदर्शित किया, तो डेल एल अपान एल के जगह पे हमने ई लिख दिया, तो डेल्टा डी अपान डी बराबर म्यू इंटू ई हो गया। ये हमारा एक रिलेशन निकल आया, ये हमारा डेल्टा डी अपान डी क्या है पार्श्व विकृति है और म्यू क्या है दोस्तों पॉइजन अनुपात है और ई क्या है अनुदैर्ध्य विकृति है, या फिर कहें डेल्टा डी अपान वन अपान एम, क्योंकि हम पॉइजन अनुपात को 1/m से भी प्रदर्शित करते हैं, तो 1/m इंटू ई, ई क्या है हमारा अनुदैर्ध्य विकृति है। तो ये दोस्तों हमारा पॉइजन अनुपात हुआ। एक नोट है पॉइजन अनुपात में, पॉइजन अनुपात प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, मतलब जो पॉइजन अनुपात होता है इसका मान प्रत्येक धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अधिकतर धातुओं के लिए 1/m मतलब पॉइजन अनुपात का मान 1/4 तथा 1/3 के बीच होता है, किसके बीच 1/4 तथा 1/3 के बीच होता है। तो ये था दोस्तों पॉइजन अनुपात क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पॉइजन अनुपात क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाएगा, मगर जब हम बल हटा लेंगे तो वह अपने फिर वास्तविक स्थिति में शेप एंड साइज में आ जाएगा। जब हम मानते हैं ये कोई हमारा पदार्थ है, पदार्थ का एक सिरा हमने स्थिर कर दिया है, जब इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो हमारा इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तथा व्यास में कमी हो गई। इसी प्रकार यदि हम कंप्रेसिव मतलब संपीड़न फोर्स लगाएंगे तो व्यास में वृद्धि हो जाएगी तथा लंबाई में कमी हो जाएगी। तो जब हम इस पर कोई भी बल नहीं लगाए थे तो मान लेते हैं हम इसकी वस्तु की लंबाई एल है, तथा जब हम इस पे फोर्स लगाए हैं तो इसके लंबाई डेल्टा एल में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार जब नहीं फोर्स लगाए थे तो इसका व्यास हमने डी माना था, तथा जब फोर्स लगाए हैं तो इसके व्यास डेल्टा डी में कमी हो गई। तो हम जानते हैं पार्श्व विकृति बराबर डेल्टा डी अपान डी हो जाएगा तथा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल एल अपान एल हो जाएगा। तो हमारी परिभाषा पॉइजन अनुपात क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का एक अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो स्थिरांक को 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर डेल्टा डी अपान डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा, म्यू डेल्टा डी, और हम अनुदैर्ध्य विकृति को दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा डी अपान म्यू इंटू ई हो जाएगा। मगर पॉइजन अनुपात को 1/m से भी प्रदर्शित करते हैं तो 1/m इंटू ए बराबर डेल्टा डी अपान डी। तो ये हमारे दो संबंध निकल गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पॉइजन अनुपात क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक जानेंगे पॉइजन अनुपात क्या होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।